फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शब मेराज का दिन भी आपको बहुत बहुत मुबारक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि आज इतना मुबारक दिन है तो पहले क्यों ना आपको इस दिन की बहुत ढेरों सारी मुबारक दी जाए। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। और इसके साथ ही मैं वीडियो का आगाज़ करती हूँ जी। आज आप सोच रहे होंगे उम्मे मेरे पीछे नहीं है, तो उम्मे का है आज रोज़ा। बेचारी निढाल पड़ी हुई है, अभी 2 का टाइम हो गया और वो बिल्कुल निढाल है कि बार बार मेरे से आके पूछ रही, मोमो रोज़ा कब खुलेगा, मोमो रोज़ा कब खुलेगा, कितना टाइम रह गया रोज़ा खुलने में। तो अभी मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। तो इससे पहले मेरी आप सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स मैं आपके आगे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और तो कुछ नहीं कह सकती। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। तो चलें फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। अभी आपको उम्मे से मिलवाती हूँ। उम्मे ने रोज़ा रखा है और वो बस उसको बोला है कि उठ के नमाज़ पढ़ो, वो कहती है मम्मो नमाज़ नहीं पढ़ने वाली। तो अभी मैं आपको उससे मिलवाती हूँ, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। फ्रेंड्स ये उम्मे लेटी हुई है, ये उम्मे का मोबाइल है और ये उम्मे मज़े से जो है ना धूप लगवा रही है, क्योंकि आज मौसम जो है ना वो बारिश हो रही थी और अभी थोड़ी देर हुई है धूप निकली है। तो ये देखें जी उम्मे रोज़ा कैसा चल रहा है, उम्मे रोज़ा कैसा गुजर रहा है, ऊंचा बोलो ना। सही है, सही है, भूख नहीं लगी हुई बिल्कुल नहीं। तो आप सब ने दुआ करनी है जी उम्मे का रोज़ा जो है ना वो अच्छे से गुजरे और माशाल्लाह जी इसको सब बोलें कि उठ के नमाज पढ़ ले। देखे ये फ़ोन पे लगी हुई और मुझे कह रही है जाओ जाओ। आप तुम्हें आज अफ्तारी में क्या खाना है? मम्मो को खाना है। चलो धूप चली गई है। जी मैं अब नमाज़ पढ़ने लगी थी तो आपको उम्मे से तो मैंने मिलवा दिया है, वो बिल्कुल जो है ना वो मरियल हालत में बैठी हुई है और मुझे आंखें निकाल रही है। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ लूँ, सूरह यासीन पढ़ लूँ और फिर आपके साथ आके मिलती हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मेरी वीडियो के साथ साथ रहिएगा। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स मैं अभी उम्मे आपको दिखाती हूँ कि अभी उम्मे क्या कर रही है, वो देखिए जी। मज़े से धूप लगवा रही है और साथ में ना मरियल पड़ी हुई है, कोई होश नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही उसको कि मैं क्या करूं। और मैं भी उसके पास जाती हूं और आपको बताती हूं। ये हाल है जीने का। मैं देखो बार बार मैं तुमसे पूछने आ रही हूं। मैं इधर तो देखो, ऊपर तो देखो यार, क्या बात है। आगे कहती है भूख नहीं लगी हुई, बस प्यास लगी हुई है। मैंने कब कहा है? आगे तुमने मुझे कहा है जब मैं नमाज पढ़ने लगी, तुमने कहा खुद कहा है कि मैं मुझे भूख नहीं लगी हुई, मुझे बस प्यास लगी हुई है। आज ये उम्मे का फोन है, ये उम्मे है और यहाँ पे रोज़ा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, उम्मे ने पिछले साल भी रोज़ा रखा था और उम्मे तो मक्खियाँ लड़ रही है तो इधर बैठी क्यों। मैंने इस साल भी रोज़ा रखा है। मैं पिछले साल कितने रोज़े रखे थे रमज़ान में? दो रमज़ान में रखे थे। तीन इसने रमज़ान में रखे थे, एक शब कदर का रखा था और एक शब मेराज का रखा था। पाँच रोज़े रखे थे मैंने और रात को जी ये ज़िद कर करके जो है ना इसने आज रोज़ा रखा है। हमने इसको मना किया कि उम्मे रोज़ा ना रखना, तो इसने कहा है मैंने सोना ही नहीं पूरी रात अगर आपने मुझे सुबह नहीं उठाया तो। हमारे घर में सब का रोज़ा है और उम्मे बेचारी का तो जो है ना वो मुंह बंद बंद के ना। मेरा नहीं, नहीं जी उम्मे बड़ी बहादुर है। ये 2-3 घंटे रह गए रोज़ा खुलने में। क्या टाइम हुआ? 2:30 हो गए हैं, 3 घंटे रह गए। हाँ बस 3 घंटे रह गए, नहीं अभी 4 घंटे हैं, 3-4 घंटे हैं, ऐसे ऐसे गुजर जाएंगे। तो माशाल्लाह जी आज हमारे सारे घर वालों का रोज़ा है। शहजादी रोज़े में तो देखिए कितना सा मुँह हो गया, आज तो बातें भी नहीं निकल रही हैं, वरना ये कितना बोलती है आप सब जानते हैं। आज तो इसके मुँह पे जुबान ही नहीं रही है जैसे। मम्मा मेरी शहजादी आप सब गवाह हैं कि ये कितना बोलती है वीडियो में आके, और आज आज इसके मुँह में
जुबान ही नहीं है अभी आ, एक डेढ़ बजे मैंने इसको सोए हुए उठाया है तो अभी भी ये कह रही थी मैं 4 बजे क्यों उठी थी, तो वो तो रोजा रखने के लिए उठी थी। रात को 10 बजे सोई हूं, 4 बजे उठी हूं और फिर 1 बजे उठी हूं, स्कूल तो ही नहीं गई। स्कूल से भी आज हमने छुट्टी की है रोजा रख के। तो जी देखें बेचारी का मुझे तरस आ रहा है बेचारी पे। तो लें जी टाइम पास करने का बाजी ने ये तरीका सोचा है, ये ना टाइम पास हो रहा है रोज़ा रख के जो है ना, आज हमारा टाइम पास हो रहा है। गुड़िया के साथ खेल रही है उमे। उम्या उमे गुड़िया को क्या कर रही हो, कलर लगा रही हो? मैं अपनी गुड़िया के बालों पे कलर लगा रही है। कौन सा कलर लगा रही हो? ग्रीन। गुड़िया को ग्रीन कर दिया? बाल ही है, बाल हो या जो भी हो बेचारी को तुमने ग्रीन कर दिया। नहीं ग्रीन किया। ये मैं खड़ी हूँ। हेलो यार, जरा नेक हुई नहीं है। मैं जरा नेक हुई नहीं हूँ आज, मैं हुई नेक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जैसे नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम नेक हैं, हमें नहीं था पता। तो मैं अपनी गुड़िया को कलर कर रही है, क्यों उस बेचारी के बालों को ख़राब कर रही हो? धोकर दिखाऊंगी। बाबा क्यों अपनी बुरी शक्ल दिखा? ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ना अपने जो कवर है ना, ये मैंने खुद तैयार किया है। आ, ये मैंने ग्लिटर ग्लू से किया है। ग्लिटर जिसका भी हो लेकिन ये मैंने तैयार जो है ना, वो मैंने मामा के खून पे किया है। मैंने मामा के खून पे किया। पीछे जो है ना वो हाला सो रही है, हाला को भी रोजा लग रहा है। मैंने मामा के फोन पे ये लगाया कवर, ग्लिटर कवर पे। मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखें। और मेरी मामा बाहर लेटी हैं। और मामा जो है वो बाहर लेटी हुई है, वो बाहर अपना सो तो नहीं थी, वो फोन देख रही है। और उम्मे जो है वो इधर अपना टाइम पास कर रही है और मामा वीडियो, और मैं जो है जी वीडियो बना के जो है ना आपको दिखा रही हूँ। और नाना भी नीचे हब रहे हैं। नाना भी नीचे खाना खा रहे हैं क्योंकि उनका रोज़ा नहीं है। हाँ, वो बीमार हैं तो उनका रोज़ा नहीं है, तो वो खाना खा रहे हैं। ये देखिए मुझे बताना है कि ये मेरे ग्लिटर कवर कैसा है। मैंने मामा के फोन पे ज़्यादा अच्छा किया है। उम्मे का जी कलर हो गया बालों पे, हो गया अब मैं कुछ कर लूँगी। ये स्टिकिंग करने की कोशिश कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स ये हमारे ना पार्लर पे हमें देख देख के ना ये स्टिकिंग करना जो है ना वो सीख गई है। तो ये अपनी तरफ से जो है ना उम्मे स्टिकिंग कर रही है बालों पे उसके, है ना उम्मे स्टिकिंग कर रही हो ना? स्टिकिंग ऐसे नहीं करते हैं। मैं स्टिकिंग नहीं कर रही। तुम स्टिकिंग ही कर रही हो। स्टिकिंग में ना एक लिट लेते हैं और ऊपर ये लगाते हैं, ये रखते हैं, फिर दूसरी लेते हैं, फिर दूसरा रखते हैं। मुझे पता है लेकिन स्टिकिंग ऐसे नहीं होती, उसमें कलर लग के दोबारा कलर लगता है। ये देखें जी ये स्टिकिंग करने की जो है ना वो अपनी तरफ से वही कोशिश कर रही। मैंने जो है ना वो स्टिकिंग कर लिया है, ऐसे सामने करो इसको। ये देखें, मैं इसको थोड़ी देर तक दूंगी। ये अब इसको थोड़ी देर तक कह रही है कि धोएगी और फिर आपके साथ कलर शेयर करेगी। कलर तब तक बालों से उतर चुका होगा। मैं कोई हाल नहीं, नहीं उसके बाल खराब हो जाएंगे, कोई उसके बालों पर कलर नहीं आया। चलें जी उम्मे निला ले गुड़िया को, फिर मिलते हैं। ये देखें जी उम्मे ने निला ली है गुड़िया। 10 मिनट्स बाद अभी बाल ड्राई कर रही है। ये इसका टॉवल है। ये इसका टॉवल है। जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, इसके बालों पर कोई कलर नहीं आ रहा। देखें जी इसकी स्टिकिंग हो गई है। तो उम्मे की गुड़िया जी अब निला दी उम्मे ने गुड़िया को, अब स्टिकिंग ही कर रही है और मार्कल कलर के साथ उम्मे ने इसकी स्टिकिंग की है। तो चलें जी, चलें जी फ्रेंड्स अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अफ्तारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखना मुझे उम्मे को भी और मुझे भी। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। आने के बाद मैं वीडियो अपलोड करने के लिए बैठी हूँ, इस लड़की ने आके मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया, भूख लग गई है, प्यास लग गई है। अब मैंने इसे बोला था कि रोज़ा रखो। कहा था मैंने, कब कहा था तुम्हें?
रोजा मैं झूठ नहीं बोलती। ये मेरे से ये ना सुनेंगी अब। मैंने इसको बोला था उम्मे रोजा नहीं रखना, तुम ना रमजान में जो ना वो पहला रोजा जो आएगा ना वो रखना। बोला था शबकदर का। हाँ ये शबकदर का रखना। अभी इसने रोजा रख लिया है लेकिन वो सारा इल्जाम अब मेरे पे डाल रही है। मुझे वीडियो अब अपलोड करने देनी है। ओके इसको बोलें कि मुझे वीडियो अपलोड करने। तंग करूंगी बहुत तल से। ओके बाय बाय। देखिए मुझे बाय नहीं करने दे रही। ओके बाय।